हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। इसके बारे में थोड़े डिटेल में बात करेंगे कि कैसे बनने वाला है, कहाँ बनने वाला है और इसकी लागत क्या होगी, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसके बारे में आज हम जानेंगे। फ्रांस स्थित कंपनी EDF और भारतीय ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी कि NPCIL दोनों मिलके महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 वाटर रिएक्टर बनाने की योजना पे काम अभी शुरू है। बिडिंग प्रोसेस के तहत EDF ने भारत को ऑफर दी है कि हम भारत में 6 थर्ड जनरेशन वाटर रिएक्टर आपको देंगे। इसका मतलब कि हमारी जो कंपनी है NPCIL, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम संभालेगी। फ्रांस स्थित जो कंपनी है EDF, वो कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम में हिस्सेदार नहीं होगी। वो हमें सिर्फ वाटर रिएक्टर प्रोवाइड करेगी और इंजीनियरिंग या तकनीकी जो भी टेक्नीशियंस या जो भी इंजीनियर्स का काम होगा, वो हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन या जो भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करेगी। बाकी जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा या 6 वाटर रिएक्टर जो बनाने का काम होगा, वो पूरा का पूरा काम भारतीय कंपनी NPCIL ही करेगी। फ्रांस और भारत के बीच 2018 में एक न्यूक्लियर समझौता हुआ था, जिसको लेकर ये हमारा एक पहला प्रोजेक्ट होगा जो बनने जा रहा है। EDF और NPCIL दोनों मिला के ये प्रोजेक्ट पर काम शुरू जल्दी करने वाले हैं। इस पर अभी फाइनल प्रोसेस शुरू है और जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा। भारत के जो लक्ष्य है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, उसमें फ्रांस हमारा सहयोग कर रहा है। ये प्रोजेक्ट बनने के बाद इससे 10 गीगावाट की एनर्जी तैयार होगी जो 70 लाख घरों को एनर्जी देगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 15 साल लगेंगे, कम से कम 15 साल लगेंगे। इससे पहले इसमें एनर्जी जो है बनना शुरू हो जाएगी। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले इसमें एनर्जी का काम जो है बनने का काम शुरू हो जाएगा। कुछ जो वाटर रिएक्टर हो गए उससे एनर्जी बनना शुरू हो जाएगा। पूरे 6 रिएक्टर बनने के पहले ही जो रिएक्टर सबसे पहले शुरू हो जाएगा उसे एनर्जी शुरू हो जाएगी। इसमें स्टीम पावर जो US बेस्ड कंपनी है ये भी हेल्प करने वाली है। इस प्रोजेक्ट की जो लागत होगी वो होगी 10 बिलियन यूरो और इसका 15 साल में इस अमाउंट बढ़ भी सकती है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें कम से कम 25,000 लोगों को जॉब मिलेगी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, जिसमें से 2700 लोगों को परमानेंट जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भारत दुनिया के तमाम देशों की लिस्ट में शुमार हो जाएगा। भारत का जो लक्ष्य था कि 2020 तक हम 20 गीगावाट की एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट से निर्माण करेंगे, जो कि पूरा नहीं हो सका। और अभी हम मौजूदा स्थिति में अगर देखें तो हम सिर्फ 7 गीगावाट के आसपास ही न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी निर्माण कर पा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अभी जितनी एनर्जी हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से निर्माण करते हैं उससे कई ज़्यादा इस अकेले पावर प्लांट से हम निर्माण कर पाएंगे। ये जो पावर प्लांट था इस पर 2010 पर काम शुरू हुआ था, लेकिन बहुत से कारण थे, प्रोटेस्ट हुए इसके खिलाफ, इसलिए इस प्रोजेक्ट को डिले होता गया और अभी इस पर काम शुरू होने वाला है। कुछ ही महीनों में इस पर फाइनल हो जाएगा। बाकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है, पर बिडिंग प्रोसेस जो थी फ्रांस कंपनी EDF ने कम से लगभग कंप्लीट कर दी है और NPCIL का कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही जल्दी काम शुरू होने वाला है। तो होप कि ये जल्दी शुरू हो जाएगा और अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमें कोई प्रोटेस्ट या किसी का विरोध देखने को ना मिले, यही उम्मीद है। बाकी बनने के बाद ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र को जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उससे आधी एनर्जी ये अकेला प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।